टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू चैप्टर डेमोक्रेसी देन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही पीरियड में मुझे लगता है दोनों हो जाएंगे। डेमोक्रेसी का मीनिंग सबको पता है, पावर्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल, अ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। इंडिया में हम कहीं अगर गुड डेफिनेशन अगर हमें डेमोक्रेसी की देनी है तो हम इंडिया के पिक्चर्स, इंडियन डेमोक्रेसी के पिक्चर्स बनाएंगे ना, तो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द गुड डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया में हम सारे फीचर्स फॉलो करते हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स एंड योर जुडिशियस टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो फ्री एंड फेयर वे से इलेक्शंस होते हैं। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव। लेजिटिमेट हमारी गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल भी आरटीआई आपको उन्हें रेस्पॉन्स अकाउंटेबल बनाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, बाय दिस एक्ट वी पीपल हैव फुल राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस वजह से इंडिया में हम कहेंगे कि एंड पीपल हैव फुल राइट टू क्रिटिसाइज द देयर रूलर्स, देयर पावर होल्डर्स। पीपल कैन क्रिटिसाइज द एंड पीपल कैन प्रोटेस्ट ऑल्सो if their rights are violated by the government. Means in democratic countries proper respect is given to the rights of the citizens. One person, one vote, one value is also followed in India. Value of vote of the person is same in India because chahe wo vote prime minister ki hai, chahe wo vote ek rickshaw wale ki hai, value of vote is same in India. So is way se hum kahenge ki India is the लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में हम कहेंगे सारे वी आर फॉलोइंग ऑल द फीचर्स। हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल? अब्राहम लिंकन। लोगों की सरकार लोगों ने बनाई लोगों के लिए, उसने कहा था लोगों की सरकार लोगों ने बनाई लोगों के लिए, लोगों ने ही बनाई लोगों के लिए। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन ने बोला था, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो अपने आप को कहती तो डेमोक्रेटिक है बट दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान में तो अगर मैं बोलूँ तो 75% पीपल जो है ना वो डेमोक्रेसी की फेवर में, पाकिस्तान में आप कहोगे तो काफी हद तक लोग डेमोक्रेसी की लोग ही फेवर में नहीं है। इन पाकिस्तान पीपल आर नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, लोग ही फेवर में नहीं है वहाँ के। इंडिया के तो लोग प्रॉपर फेवर में है डेमोक्रेसी की, पाकिस्तान के लोग फेवर में ही नहीं है। तो एक तो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्होंने रूल्स एंड डेमोक्रेसी के प्रॉपर फीचर्स को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इंडिया वी आर फॉलोइंग दिस फीचर। वेयर एज थ्री कंट्रीज आर देयर, वो कंट्रीज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू को फॉलो नहीं करती। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन देना हो तो किस फॉर्म में देंगे? आपको नीचे चार ऑप्शंस होंगे। एक में जैसे मैं बोलूँ, एक में पहले मैं करेक्ट वाली बोलती हूँ, एक तो फिजी, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया। दूसरी ऑप्शन में ध्यान से सुनो, फिजी, इंडिया, रशिया। तीसरी ऑप्शन एस्टोनिया, फिजी, इंग्लैंड, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऑप्शंस दे के फिर आपको अगर करेक्ट ऑप्शन पता है, आप ये ना हो बच्चा पहले पढ़े एस्टोनिया तो उसको लगे कि चलो बाकी के पढ़ने ही नहीं है, एस्टोनिया पढ़ के लिख दो। एस्टोनिया के बाद अगली कंट्री भी तो पढ़ो, हो सकता है वो गलत दी हो, बीच में एक गलत दी हो। तो आपको जब तक प्रॉपर आंसर नहीं दिखता फिजी, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया, आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। तो इस वे से क्वेश्चन आ सकता है फिजी, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया। फिजी में किनको उन्होंने किसके वोट की वैल्यू कम रखी है? इंडियन फिजी। किसके एज कम्पेयर टू इंडिजीनियस फिजी? इंडिजीनियस फिजी के वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी। एस्टोनिया में किसके वोट, किसको राइट टू वोट बहुत मुश्किल से मिलता है? रशियन माइनॉरिटी। फिर ऐसे भी ना दें तो ऐसे पूछा जा सकता है इन एस्टोनिया हु आर इन माइनॉरिटी। तो आपको पूछा जा सकता है जैसे फ्रेंच, रशियन, इटालियन, कौन है वहां पे माइनॉरिटी में? रशियन। तो उनको वहां पे माइनॉरिटी में होने के कारण नो राइट टू वोट, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलता। इंडिया में तो माइनॉरिटी को भी राइट टू वोट है,
उस दिन भी मैंने बताया था सिख मुस्लिम्स माइनॉरिटी में इंडिया में, सिख्स जो सिख लोग हैं माइनॉरिटी में इंडिया में, ठीक है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि इंडिया में वोटिंग राइट ही नहीं है सिख लोगों के पास या मुस्लिम्स के पास, इंडिया में तो सबके पास राइट टू वोट है। तो वहां पे रशियन जो है दे आर इन माइनॉरिटी बट उन्हें राइट टू वोट उन्होंने नहीं दिया होगा। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, इंडिया में वुमेन को प्रॉपर वोटिंग राइट मिले हुए हैं। जब हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया तो हमारी कंट्री ने वुमेन को इक्वल राइट्स दिए थे एज गिवन टू मेन, वेयर एज फ्रांस का पढ़ते हो कि 200 साल स्ट्रगल की फ्रेंच वुमेन ने तब जाके राइट टू वोट मिला। सबसे पहले कौन सी कंट्री ने यूनिवर्सल सफरेज को अपनाया? न्यूजीलैंड। सबसे पहले यूनिवर्सल सफरेज किस कंट्री में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया? न्यूजीलैंड। इंडिया ने इसे 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया तो वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिले एज गिवन टू मैन। हमारे यहाँ पे वुमेन ने स्ट्रगल नहीं की बिकॉज हमारे फ्रेमर्स ने राइट ऐसे सेटअप किए कि वुमेन को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी इंडिया में। तो इंडिया में हम कहेंगे इक्वल वोटिंग राइट है वुमेन को, वेयर एज इन सऊदी अरेबिया टू वुमेन के वोट की वैल्यू इज इक्वल टू वन मेल। इट मींस वुमेन को उन्होंने इंफीरियर रखा है वेयर एज मेल को उन्होंने सुपीरियर रखा है इन सऊदी अरेबिया। तो इस वजह से आप लर्न करोगे तालिबान में तो गर्ल्स को स्कूल भी नहीं भेजते, कहते अगर फादर को गर्ल कहती है ना पढ़ने के लिए तो कई बार उसे शूट भी कर देते हैं घर में, बेटियों को शूट कर देते थे कई बार कि पढ़ने के लिए नहीं लॉ करते। मतलब अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वुमेन को गर्ल्स को बहुत लो रखा हुआ है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो वुमेन कैन लॉन्च फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट का भी मीनिंग पता है, पीपल हू बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन, इक्वल राइट्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। तो इंडिया में तो वुमेन लॉन्च कर सकती है फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो नो डाउट इंडिया में पॉलिटिकल स्टेटस लो है, तभी इंडिया में पुअर कंडीशन है वुमेन की। इंडिया में राइट सारे मिले हुए हैं बट पॉलिटिकल स्टेटस कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लो है। इस चीज में तो हम अरेबियन कंट्रीज से भी पीछे हैं। अगर हम देखते हैं ना वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस तो इंडिया में बहुत लो। आप कहोगे कि वुमेन को सारे राइट्स भी दिए तो इंडिया में वुमेन की तो फिर पुअर कंडीशन है, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन फेस कर रही है। तो वुमेन के साथ अभी भी प्रॉपर घर में ही सेफ नहीं है वो अपने, एट प्रेजेंट शी इज नॉट सेफ एट होम ऑल्सो। घर में उसे फोर्स किया जाता है टू डू हाउस होल्ड वर्क या डोमेस्टिक, हाँ आप कहते ही हो नॉट सेफ एट होम वुमेन। तो ऐसा क्यों हमारी कंट्री में, जबकि हम कहते हैं इक्वल राइट्स आर गिवन, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इज लो। तो ये चीज नॉलेज के लिए बतानी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटस बहुत लो रखा हुआ है वो। मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन है ना तो 10% वुमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 9 या 10, इससे ज्यादा नहीं, 9% या 10%। अगर स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन है तो ओनली 5% वुमेन, देखो कितना कम रखा हुआ है। अगर लोकल है तो 33% लोकल में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। लोकल तो 50 भी हो जानी है कह रहे हैं, बट सेंट्रल एंड स्टेट में वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर हो सकती है वुमेन, प्रेजिडेंट वुमेन हो सकती है इंडिया में, मोस्टली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना वो मेल ही होते हैं इंडिया में। तो ये बिल अभी तक कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट के पास, इसे पास ही नहीं किया जा रहा। वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट, जिस दिन ये पास हो गया इंडिया में वुमेन की प्रॉपर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वुमेन है ना तो वैसे इंडिया में हो जाएंगे, बट ऐसा हमारी पार्लियामेंट ये बिल पास नहीं कर रही। वुमेन को पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं वो आने से वो नहीं आने देते हमारे यहाँ पे। तो सिर्फ एक चीज ये हमारे यहाँ पे ऐसी है, बाकी राइट्स की बात करें तो प्रॉपर राइट्स आर गिवन टू वुमेन इन इंडिया। तो सऊदी अरेबिया में वुमेन के वोट की वैल्यू कम है, एक तो ये 1 person 1 vote 1 value 3 countries you have to learn, एस्टोनिया फिजी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, बट ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्री एंड फेयर जैसे इलेक्शंस नहीं होते। एक तो मैक्सिको है और एक है चाइना। चाइना में आपको याद रखना है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट वहां पे, और भी देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन चाइना। आपको पेपर में अगर पूछना आएगा तो ऐसे पूछेंगे मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चाइना इज, तो नीचे आपको 4-5 नाम दिए होंगे, PRI, ZANU-PF, कम्युनिस्ट। तो विच इज द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चाइना? कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए पर्सन हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे यहाँ पे तो ऐसे है ही नहीं, हमारे यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स सिलेक्ट करती हैं एंड कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस।
तो हमारे यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि पर्सन के पास उसकी लोकेलिटी के लोगों के उसके साथ हैं कि नहीं, कि कल को पर्सन को वोट ही ना पड़े, फिर साथ जिस एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्सन जिसको इलेक्ट करता है वो देखते हैं यहाँ के लोग इसकी फेवर में है, इसे सपोर्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है। तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मर्जी से कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, वेयर एज इन चाइना कैंडिडेट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो ये फेयर बात तो हुई ना, इंडिया में हम कोई रूलिंग पार्टी से हमारे कैंडिडेट्स परमिशन लेने जाते हैं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अगर रूलिंग पार्टी अपना जाते वक्त नो डाउट, अगर हम कहें ना कि इलेक्शंस आएंगे अभी आप देखना पंजाब में आएंगे, तो आप देखना ज्यादा जो मीडिया है ना वो किसके अंडर रहेगा? रूलिंग पार्टी के अंडर, क्योंकि रूलिंग पार्टी का होल्ड रहता ही रहता है, फिर भी ओपोजिशन को चांस दिया जाता है। इंडिया में ऐसा है, ओपोजिशन क्यों बीजेपी इस रूलिंग पार्टी का कांग्रेस को चांस नहीं मिलता? मीडिया कांग्रेस की फेवर में भी बोलता है। तो क्या हमारे यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस इज रूलिंग पार्टी? क्या सुखबीर बादल के व्यूज नहीं आप सुनते मीडिया पे? चलो कुछ चैनल्स ही उनके हैं, वैसे मैं बता दूं तो इंडिया में अगर रूलिंग नो डाउट रूलिंग पार्टी का होल्ड रहेगा, एंड वाले डेज में देखना कैसे कैसे रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज जो जो उन्होंने पिछले 5 साल में किया ना वो सब हाईलाइट हो जाना, अब थोड़े दिनों में हाईलाइट होना शुरू हो जाना। इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने ये किया, इन्होंने पंजाबी सिंगर तो गाने भी बना रखे हैं उनपे, ये सब कुछ आ जाना है। क्यों? टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द इन देयर फेवर, ये ताकि पब्लिक को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें कि हमने ये काम किए थे पिछले 5 साल, अभी ये 5 सालों में आप फिर हमें लाओ। तो इंडिया में ये वाले राइट्स हैं, एज इन चाइना ये राइट्स नहीं है। वहां पे ओपोजिशन को कहीं ना कहीं उन्होंने स्नब करके रखा हुआ है, सप्रेस किया हुआ है। तो वही पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, वही कैंडिडेट टेक परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। तो कहीं ना कहीं चाइना में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर वे से नहीं होते, इंडिया में तो पूरे फ्री एंड फेयर वे से होते हैं। वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस इन इंडिया, वोटर्स अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, बिकॉज इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, पता ही नहीं होता वोटर के बिना। नो वन नोज एक्सेप्ट वोटर इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट, पता ही नहीं किसी को भी। ये दोनों फ्रेंड्स वोट डालने जाए रमनीक और ये, तो रमनीक से बोली जाए कि मैंने तो कांग्रेस को वोट डाल दिया, वो कही जाए मैंने तो बीजेपी को, चाहे अंदर जाके उल्ट पुलट करते, इनकी मर्जी। मतलब वोटर उसको पता उसने किसको वोट डाली, इसको पता इसने किसको वोट डाली, किसी को नहीं पता कि वोटर ने किसको वोट डाल दी। इंडिया में वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। बूथ कैप्चरिंग आपने उस मूवी में देखी होगी, लॉ एंड ऑफ पंजाब मूवी दलजीत की आई थी, नहीं देखी तो कभी टाइम मिले तो देख लेना। उसमें वो प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम को उन्होंने दिखाया हुआ उस मूवी में कि कैसे बूथ कैप्चरिंग होती है। बूथ कैप्चरिंग मीन्स रिच अपनी मसल पावर यूज करके, मनी पावर यूज करके वोट्स खरीद लेते हैं। तो ये कई बार ऐसे होता है, बट हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो होता है ना उस एरिया के रिजल्ट को कैंसिल कर देता है जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है। तो ये सब कुछ कई बार होता है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं, वो उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं करता जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो जाए। तो ये सब कुछ है, मींस इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, चाइना में नहीं होते। फिर हमने कहा मैक्सिको में भी नहीं होते, मैक्सिको में इलेक्शंस कैसे फ्री एंड फेयर वे से नहीं होते? वैसे तो मैक्सिको में वल्मा क्वेश्चन, कितने सालों के बाद इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैक्सिमो, मैक्सिको 6 years, वानमा क्वेश्चन इन मैक्सिको, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन विच इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 6 years, मैं एक मिनट कंट्रीज बोलूंगी, इंडिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, मैक्सिको। मैक्सिको में आफ्टर 6 years इलेक्शंस होते हैं, और आप बताओगे कि ये जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर वे से नहीं होंगे। मैक्सिको में एक पार्टी पीआरआई जो है प्लेड डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। क्या करती है पीआरआई? पीआरआई के जो कैंडिडेट्स हैं बॉस का, पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स किया जाता है टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पीआरआई। क्या हमारे यहाँ पे जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा हुआ है किसी भी, क्या उन्हें फोर्स करती है रूलिंग पार्टी के आपने सिर्फ हमारी मीटिंग्स ही अटेंड करनी है? नो, वो तो पर्सनल, हमारे यहाँ पे तो पर्सनल मानते हैं उस चीज को कि आपकी मर्जी, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करो, हम कहते हैं पार्टी सैंक्शन, पर्सन इज स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू वन पार्टी, जैसे किसी एक पार्टी के साथ पर्सन की अटैचमेंट है।
तो वो अपनी मर्जी से उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कंपेल थोड़ा करती है गवर्नमेंट के, आपने हमारी मीटिंग्स को अटेंड करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। नो, मेक्सिको में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स किया जाता है अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पीआर, फिर स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को फोर्स किया जाता है, फोर्स द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ पीआर। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी टीचर्स हैं उनके, उनको कहते हैं कि आपने पेरेंट्स को फोर्स करना है कि पेरेंट्स अपनी वोट किसको डालें, पीआर। तो अपने आप सोचो, अगर स्कूल में भी फोर्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, फिर जितनी ऑपोजिशन पार्टियां, दे आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट देयर मीटिंग्स, उनके मीटिंग्स ही नहीं होती वहां पे। अगर वो मीटिंग करवाते भी हैं तो उनको डिसरप्ट कर दिया जाता है, मीटिंग्स को डिसरप्ट कर देते हैं, उनकी इलीगल कर देते हैं उनकी मीटिंग्स को। तो वहां पे ऑपोजिशन अपनी मीटिंग भी नहीं कर सकती, हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन आके धज्जियां और आके चल जाती है रूलिंग पार्टी की। तो वहां पे तो ऐसे होता ही नहीं है, कितना ऑपोजिशन वाले बोल के डिबेट्स भी सुनते हैं आप टेलीविजन पे, डिबेट सुनते हो ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी कैसे लड़ते हैं आपस में। तो मीडिया कई बार उनको, आप देखो ना मीडिया फिर किसके फेवर में जाता है, आप देखा करो ये सब, तो कैसे डिबेट्स एंड डिस्कशंस इंडिया में होते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे रूलिंग पार्टी को ही मेन इंपॉर्टेंस दी हुई है, ओपोजिशन पार्टी को मीटिंग करवाने का भी राइट नहीं है, उनकी मीटिंग्स को भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो इट मीन्स मेक्सिको में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ऑन द स्पॉट सबसे बड़ा वो काम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं, ऑन द स्पॉट। जैसे आपके इस इमेजिन के जेपी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, हमारा स्कूल बनता होता पोलिंग बूथ, ये स्कूल बनता है हमारा, तो आप सोचोगे स्कूल पोलिंग बूथ है, और जेपी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को पता है कि स्कूल में वोट डालने जाओ, तो वो तो उनको पता है कि हमने यहाँ जाना है, जो पास वाले एरियाज के लोग हैं उनको पता है हम जाएंगे वोट डाल के आ जाएंगे, पास में ही तो हूँ। बट ऑन द स्पॉट कहाँ जाएगा, ये पोलिंग बूथ यहाँ से कैंसिल हो गया ऑन द स्पॉट, और ये पोलिंग बूथ शिफ्ट हो गया किसी विलेज में, और वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो जो लोग नहीं जा पाएंगे तो वो तो रह गए, कोई ओल्ड एज है, कोई कुछ है, वो नहीं जा पाए, वो तो रह गए, वो फिर नहीं जा पाए, फिर इट मीन्स उनकी वोट तो नहीं डली, फिर वो अपनी तरफ से डाल देते हैं। तो ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ चेंज किए जाते हैं इन मैक्सिको। इंडिया में कभी सुना ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ चेंज, नहीं कभी नहीं होता। वहां पे ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ चेंज कर दिया जाता है, इट मीन्स लोग कन्वीनियंट ना रहे, इनकन्वीनियंट हो जाए, उनको वोट डालने ही ना जाए, अपनी वोट ही ना डालने जाए, वो नहीं जाएंगे तो वो अपने आप पीआर आई अपने आप डाल देती है उनकी वोट। लॉइन ऑफ पंजाब में वो खुद वोट डाल देते होते हैं कि लोगों की, लोगों को भगा देते हैं बाहर से, आप देखो वो मूवी कैसे वहां पे बूथ कैप्चरिंग करते हैं, वो ऐसे दिखाया हुआ है मूवीज में ही, दिखा देते हैं सिर्फ शादी को, आपको मूवीज में ही पढ़ाई जाती है, आप देखा करो ना ऐसी मूवीज। तो इस वे से आप कहोगे कि मैक्सिको में इलेक्शंस जो है दे आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। अब मैं बोलूं रूल ऑफ लॉ, राइट फॉर रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इंडिया में तो है, इंडिया में हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन नॉट बी मेड बाय सिंगल लेवल, क्या पार्लियामेंट अकेले चेंजेस कर लेती है, नो। हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा चेंजेस कैन बी मेड, बट इतना इजी भी नहीं प्रोसेस रखा हुआ हमारे फ्रेमर्स ने कि चेंजेस जब दिल करे चेंजेस कर दो, नो। उन्होंने सब टफ भी रखा है फॉर दिस। आप कहोगे अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स इन इंडिया इज नीडेड, दोनों लेवल्स की अप्रूवल चाहिए इंडिया में, सेंट्रल एंड स्टेट, तो वहां पे तो वैसे है ही नहीं जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में ज़ेनुकेफ पार्टी जो है वो मेन पार्टी थी, और उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबी प्रेसिडेंट बन गया। अब उसने बहुत से, आप कहोगे उसने भी बहुत से डर्टी ट्रिक्स यूज किए पावर में रहने के लिए। इंडिया में हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं हो सकते, इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाती है, बिकॉज इन इंडिया वी आर गिवन, अब तो 7 हो चुके हैं बुक्स में, अभी भी 6 फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, एंड 6 फंडामेंटल राइट्स वी सिटीजंस ऑफ इंडिया आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 फंडामेंटल राइट्स में से 5 राइट्स जो हमारे हैं ना, ये वो तो हमारे हैं, आपको पता ही होगा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, पता है ना सारे राइट्स, चलो अभी यहाँ पे राइट तो पढ़ देंगे। एक राइट उन्होंने ऐसा रखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन इंडिया दैट इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ अदर राइट्स। इस राइट को कहा जाता है हीरो राइट्स। विदाउट दिस राइट 5 राइट्स आर 0। अगर ये राइट ना होता तो हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी इज गिवन, अगर हमारी इक्वालिटी कोई लेके कोई इनजस्टिस हो जाए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो,
तो पर्सन कैन गो टू कोर्ट बाय द बाय विच राइट पर्सन कैन गो टू कोर्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इशू रिट्स, रिट्स इशू करती है, WRITS. रिट्स के रिट्स का मीनिंग क्या होता है कि कंपनसेशन दी जाती है विक्टिम को, पनिशमेंट दी जाती है वायलेटर को. तो इस वे से तो पर्सन के पास प्रॉपर राइट है, मीन्स हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट किसी के राइट को वायलेट नहीं करती. वेयर एज इन जिम्बाब्वे वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते लोगों के राइट्स को. हमारे यहाँ पे जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट, हम खुद कहते हैं इन अवर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी आउटर प्रेशर. पता है ना इंडिया में ऐसे है, जजेस ना तो प्रेसिडेंट के अंडर है ना प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं. नो डाउट हम कहते हैं इंडिया में पहले पर्सन इज अगर लोकल कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट. फिर हाई कोर्ट की अपील के अगेंस्ट वो किधर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड पर्सन हैज टू फॉलो. बट रेयर केसेस कैन गो टू प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री. आपको बताना कि रेयर केसेस, अगर नहीं पढ़ सुना हुआ तो सुन लो, हमारी कंट्री में भी रेयर केसेस कैन गो टू प्रेसिडेंट. बहुत रेयर अगर हो तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, और प्रेसिडेंट अगर उनको चेंजेस उसमें करना चाहे तो प्रेसिडेंट कैन डू, प्रेसिडेंट कर सकता है उसमें चेंजेस. ठीक है, रेयर केसेस मैंने बोला कैन गो टू प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री, बट हर केस तो प्रेसिडेंट के पास नहीं ना जा रहा. वहां पे क्या हुआ, जिम्बाब्वे में हर केस जो जजेस डिसीजन लेते थे रॉबर्ट मुगा भी चेंज करता. तो वहां पे ऐसा क्या क्या हुआ, इंडिया में तो ये कुछ नहीं होता है ना, बट इन जिम्बाब्वे सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए खुद ही, वहां की पार्टी ने रॉबर्ट मुगाबी की फेवर में पावर्स लिख दी, सारी उसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और क्या क्या उन्होंने, रॉबर्ट मुगाबी जो था वो जजेस के डिसीजन को चेंज कर सकता था, उन्होंने उसको उसकी पावर्स इतनी बढ़ा दी, और साथ में लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं. No rights were given to the people in Zimbabwe to protest against the functioning of the government. अगर कोई government functioning के against बोलता तो punishments were given to the people. Independence of media was not there. Zimbabwe में media was not independent. Whereas in India, media is totally independent. And in Zimbabwe, media was not independent. वहाँ पे जो independent कुछ newspapers थे Zimbabwe में, but वो एडिटर्स जर्नलिस्ट जो न्यूज़पेपर थे दे वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ रॉबर्ट मुगाबी. ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते थे जिससे उसका इमेज स्पॉइल हो. तो इट मींस कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे ने लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं की, प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं दिया, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस अकेले ही कर लिए, मुगाबी की पावर्स बढ़ा दी. मुगाबी जो था वो जुडिशरी के डिसीजंस को भी चेंज कर सकता. तो इट मींस लेस अकाउंटेबल. कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे लेस अकाउंटेबल बना दिया. हमारा प्राइम मिनिस्टर इज टोटली अकाउंटेबल टू द पीपल. हम खुद ही तो कहते हैं कि इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पता है ना. तो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है. प्राइम मिनिस्टर की टीम इज टोटली आंसरेबल टू पार्लियामेंट. अब नो डाउट हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सी पावर्स दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अवर प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज ऑल द पावर्स अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. हम तो यहाँ तक कहते हैं अवर प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक प्लैनेट एंड ऑल मिनिस्टर्स आर लाइक, अवर प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक सन एंड ऑल मिनिस्टर्स आर लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड हिम. हम ये भी कहते हैं अवर प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप एंड वी ऑल आर पैसेंजर्स. हम लोग पैसेंजर्स हैं, वो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसकी मर्जी कंट्री को कहाँ ले जाए, जो बोधे या तार दे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है. मतलब कितनी पावर्स इंडिया में दी हुई है, जस्ट लाइक सन मिनिस्टर्स आर लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड प्राइम मिनिस्टर. इंडिया में तो पावर्स दी हुई है बट एक साइड पावर्स दे के दूसरे हाथ से वापस भी ली हुई है. कितना सब कुछ सिस्टम सेटअप करके कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, देखो एक हाथ में सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे दी बट दूसरे हाथ में से लिंग कैसे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप करके. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टोटली आंसरेबल टू पार्लियामेंट. अगर काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट जो है अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे, नो एंड नो नो अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके फंक्शन से, देन प्राइम मिनिस्टर विद हिज टीम हैज टू रिजाइन इमीडिएटली.
इंडिया में ऐसा सिस्टम भी उन्होंने रखा हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहें ना कि वो प्रोविजंस को ही नहीं फॉलो कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो ही नहीं कर रहे, वैसे तो ऐसा होता नहीं। अगर वो नहीं करते तो पार्लियामेंट हैज फुल राइट टू पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन प्राइम मिनिस्टर विद हिज टीम हैज टू रिजाइन इमीडिएटली। तो इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो डाउट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट गवर्नमेंट जैसे आपको पूछा जाए यूएसए में कैसी गवर्नमेंट है, इन यूएसए यूएसए इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक, बट वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स, विच पावर्स आर इंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, सेम पावर्स आर इंजॉयड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वहां पे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय पीपल, वेयर एज इन यूएसए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। इंडिया में प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, पता ना, इट इज इलेक्टेड बाय द, उसको कौन करता है, पार्लियामेंट, इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट कौन करवाता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में होती है उसकी इलेक्शंस, किसकी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब कौन सी कंट्री ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, प्रेसिडेंट की पावर्स ही बढ़ा दी, दैट इज जिम्बाब्वे। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स लिमिटेड है, ठीक है ना, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट की पावर्स लिमिटेड है, ऑल द पावर्स आर एंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम ऑफ द